हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा केक मंत्रा। दोस्तों, आज के स्पेशल केक की ऑर्डर मुझे मेरे फ्रेंड ने अपनी बेटी ओवी के फर्स्ट बर्थडे के लिए दी थी। उन्हें 2 kg 2 tier थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था। उन्होंने वैसे तो कोई केक की स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं बताई थी, तो केक की डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास फ्रीडम था। तो आज के केक में मैंने फॉन्डेंट भी यूज़ किया है, फॉक्स बॉल्स भी यूज़ किए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अभी 7 जनवरी 2024 को मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पूरा कर लिया है, तो उसके लिए मैं मेरे यूट्यूब फैमिली को पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए तो मैं हमेशा नए नए ट्रेंडिंग केक्स के वीडियोज़ बना पाऊँगी। मेरे फ्रेंड को 2 kg 2 tier स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था और उन्हें केक की हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर 2 tin यूज़ किए हैं। 7 inch का एक टिन है और दूसरा जो है वो 4 inch का है, और दोनों भी टिन जो है वो हाइटेड है। इन टिन में मैं स्पॉन्ज बेक करके लेने वाली हूँ। ये स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज का बैटर बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम वैनिला प्रीमिक्स यूज़ किया है, 2 cup पानी, 8 tablespoon ऑयल, स्ट्रॉबेरी इसेंस 10-12 ड्रॉप्स और 8-10 ड्रॉप्स पिंक कलर यूज़ किया है। वैसे तो पिंक कलर आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एकदम ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। स्पॉन्ज बेक करने के बाद हमें स्पॉन्ज को लेयर्स में कट करके लेना है। यहाँ पे मैंने 4 inch में बनाए हुए स्पॉन्ज को 5 layers में कट किया है और 7 inch के टिन में बनाए हुए स्पॉन्ज को मैंने 4 layers में कट किया है। इन स्पॉन्ज के लेयर्स को यूज़ करके हम केक बनाएंगे। ये पूरा केक बनाने के लिए मैंने 2.25 cup व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके ली है। उसमें से थोड़ी क्रीम मैंने अभी बाउल में ली है। इस व्हिप क्रीम में हम 1/4 cup स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करके हमें उसे प्रॉपरली मिक्स करके लेना है, और अगर ऐसे लगता है कि स्ट्रॉबेरी क्रश थोड़ा कम है तो उसे ऐड करना है, और मिक्स करने के बाद जो क्रीम तैयार होगी उससे हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे, और बची हुई जो क्रीम है उससे हम केक की फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अभी मैंने पानी में स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया है और इससे मैंने शुगर सिरप प्रिपेयर किया है, इससे हम स्पॉन्ज की सोकिंग करेंगे। आज का अपना ये 2 kg का 2 tier केक है, तो इसका वजन ज़्यादा होने वाला है, तो मैं ड्रम बोर्ड के ऊपर ये केक बनाने वाली हूँ। ये ड्रम बोर्ड जो है वो अराउंड 150 rupees में मार्केट में अवेलेबल होता है। अभी मैंने बेस बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके ली है और उसके ऊपर मैंने स्पॉन्ज का लेयर रख लिया है। ये अपना 2 tier केक है, तो पहले हम बेस वाला जो केक है वो बना के लेने वाले हैं और बाद में फिर ऊपर वाला छोटा केक जो है वो बनाने वाले हैं। छोटा केक बनने के बाद उसे लिफ्ट करके हम बड़े केक के ऊपर रखेंगे। अब हर बार की तरह हमें केक स्पॉन्ज की सोकिंग करनी है, उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करना है, फिर क्रश ऐड करना है, उसे फैलाना है और केक की लेयरिंग करनी है। केक की लेयरिंग करने के बाद हमें केक की क्रम कोटिंग करनी है। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए, अभी अपने बेस वाले केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। अभी हमें ऊपर वाला छोटा केक बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बेस बोर्ड लिया है। अभी हमें ये स्पॉन्ज का लेयर जो है वो बेस बोर्ड के ऊपर रखना है। ये स्पॉन्ज का लेयर बेस बोर्ड के ऊपर रखने से पहले हमें बेस बोर्ड के ऊपर क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि हमें ये केक लिफ्ट करके ट्रांसफ़र करना है दूसरे केक के ऊपर। अगर हम बेस बोर्ड के ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे तो हम आसानी से ये केक जो है वो लिफ्ट करके ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इस छोटे केक की भी हमें लेयरिंग और क्रम कोटिंग करनी है। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए, अभी अपने छोटे केक की भी क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब हमें इस केक को भी फ्रिज में सेट करने के लिए रखना है। केक के डेकोरेशन में हम ऊपर वाला जो छोटा केक है उसके सामने फॉन्डेंट का डॉल टॉपर लगाने वाले हैं, तो चलिए अभी पहले फॉन्डेंट का डॉल टॉपर बनाते हैं। फॉन्डेंट का डॉल टॉपर बनाते समय हमें पहले केक की साइज़ देखनी है और उसके हिसाब से फिर फॉन्डेंट के डॉल टॉपर की साइज़ एडजस्ट करनी है। ये फॉन्डेंट का डॉल टॉपर मैंने कैसे बनाया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे।
ये देखिए अभी अपना फॉन्डेंट का डॉल टॉपर बना के रेडी हो चुका है। इसे हम केक के डेकोरेशन में यूज करने वाले हैं। हम इसे कहाँ पे प्लेस करने वाले हैं केक के ऊपर, ये आप आगे वीडियो में देख ही पाएंगे। अब मैं इस फॉन्डेंट डॉल टॉपर को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ और जब हमें इसे यूज करना है तब हमें इसे बाहर निकालना है ताकि मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आके ये पिघले ना और खराब ना हो। अब मैंने यहाँ पे बाउल में व्हिप क्रीम ली है और उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी का एसेंस ऐड किया है और ये जो क्रीम है इसे मैं छोटे केक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। हमें पूरा केक इस क्रीम से कवर करना है और इसको फिनिशिंग देनी है। ये मैंने कैसे किया है वो आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए अभी हमारे छोटे केक की फिनिशिंग देके हो चुकी है। ये केक हम फर्स्ट बर्थडे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करके 1 नंबर बना रही हूँ।
ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए अभी अपना फॉन्डेंट से वन नंबर बनके रेडी हो चुका है। इस वन नंबर को हमें केक के ऊपर प्लेस करना है, तो हम इसे आसानी से केक के ऊपर प्लेस कर सके इसके लिए मैं इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर रही हूँ। अभी मैंने वन नंबर में टूथपिक इंसर्ट कर ली है। हमारा बेस वाला जो बड़ा केक है उसे हमें पीच कलर क्रीम से कवर करना है, तो मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम में रेड कलर और थोड़ा येल्लो कलर मिक्स किया है, उससे हमें पीच कलर की क्रीम मिल गई है। ये स्ट्रॉबेरी केक है तो मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस भी ऐड किया है और इस क्रीम से हमें पूरे केक को कवर करना है। इस केक को क्रीम से कवर करके मैंने कैसे फिनिशिंग दी है वो आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए अभी अपने केक को फिनिशिंग देके हो चुकी है। अब हमें इस केक को उठाकर इसके ऊपर रखना है। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। अब हमारा केक ट्रांसफ़र करके हो चुका है। अब हमने ये जो केक में स्टिक इंसर्ट की है इसे मैं और अंदर इंसर्ट कर रही हूँ और स्टिक की मेजरमेंट ले रही हूँ, और इस स्टिक के मेजरमेंट के हिसाब से हम और दो स्टिक कट करके लेने वाले हैं जिससे हम केक को सपोर्ट देने वाले हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट के टाइम भी अपना केक हिले ना और हम अच्छी तरह से केक को कस्टमर को डिलीवर कर सकें। केक के टॉप के ऊपर स्टिक के वजह से जो होल दिख रहे हैं उसे मैं पीच कलर के क्रीम से कवर कर रही हूँ। अब मैं पैलेट नाइफ से पीच कलर क्रीम से केक के टॉप के ऊपर टेक्सचर इफेक्ट दे रही हूँ। अब मैंने पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा कट किया है और उसमें ग्रीन कलर की क्रीम भर ली है। अब मैं केक के बेस पोर्शन पे ग्रीन कलर के क्रीम से पतली लाइन बना रही हूँ। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग ब्रश का यूज़ करके मैं यहाँ पे ग्रास बनाने वाली हूँ। ऊपर के छोटे केक के बॉटम पे भी मैंने सेम ऐसे ही ग्रास बनाया है। ये मैंने कैसे बनाया है वो आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। अभी इसी ग्रीन कलर के क्रीम से मैं बीच बीच में बड़ा ग्रास बना रही हूँ, और इसी ग्रीन कलर के क्रीम से मैं केक की पर्ल की तरह बॉर्डरिंग करने वाली हूँ। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए अभी मैंने फॉन्डेंट के डॉल के बैक साइड के ऊपर मेल्टेड डार्क चॉकलेट अप्लाई किया है, और अब मैं डॉल को केक के फ्रंट साइड पर स्टिक कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे मेल्टेड डार्क चॉकलेट यूज़ किया है, आप मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। ये मेल्टेड चॉकलेट की वजह से अपनी फॉन्डेंट की डॉल जो है वो अपनी जगह पर टिकी रहेगी, इधर उधर हिलेगी नहीं, फिसलेगी नहीं। तो इस तरह से अगर आपको फॉन्डेंट का टॉपर केक के ऊपर स्टिक करना है तो फॉन्डेंट टॉपर के बैक साइड पर आप मेल्टेड चॉकलेट अप्लाई करिए और बाद में फिर फॉन्डेंट टॉपर को केक के ऊपर स्टिक करिए, तो आपका फॉन्डेंट टॉपर जो है वो केक के ऊपर प्रॉपर जगह पे बना रहेगा। अब मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट के येल्लो और रेड कलर के फ्लावर्स कट करके लिए हैं। फॉन्डेंट टूल के हेल्प से मैं इन्हें ग्रास के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। मार्केट में केक मटेरियल शॉप में इस तरह के फॉक्स बॉल्स अवेलेबल होते हैं
इनका यूज़ करके मैं अभी बलून दिखाने वाली हूँ, मतलब लड़की ने बलून होल्ड किए हैं ऐसे मैं दिखाने वाली हूँ केक के ऊपर। ये फॉक्स बॉल्स अलग अलग कलर में शेप में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं रेड, गोल्डन, सिल्वर, पिंक कलर के फॉक्स बॉल्स यूज़ करने वाली हूँ एज अ बलून। इन फॉक्स बॉल्स को मैंने केक के ऊपर कैसे प्लेस किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये देखिए अभी अपने फॉक्स बॉल्स केक के ऊपर प्लेस करके हो चुके हैं। अब मैं चॉकलेट ट्रफल के मदद से बलून के थ्रेड्स बना रही हूँ। ये देखिए अभी अपनी डॉल बलून पकड़ के केक के ऊपर रेडी हो चुकी है। अब ग्रास के ऊपर ये जो फ्लावर्स है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे इसके लिए मैं चॉकलेट ट्रफल के मदद से फ्लावर के बीच में डॉट दे रही हूँ, वो आप वीडियो में देख पाएंगे। अब मैं केक के ऊपर 1 नंबर का फोंडेंट टॉपर प्लेस कर रही हूँ। मार्केट में केक मटेरियल शॉप में इस तरह के पेपर बटरफ्लाई टॉपर्स अवेलेबल होते हैं। ये नॉन एडिबल पेपर बटरफ्लाई टॉपर्स है। अपना केक मोर ब्यूटीफुल लगे इसलिए मैं इन पेपर बटरफ्लाई टॉपर्स का यूज़ कर रही हूँ केक के ऊपर। ये देखिए अभी अपने बटरफ्लाई टॉपर जो है वो केक के ऊपर प्लेस करके हो चुके हैं। अब अपने केक का लुक और अच्छा हो इसलिए मैं सिल्वर पर्ल्स इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। ये सिल्वर पर्ल्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, छोटे बड़े। ये देखिए अभी अपना केक रेडी हो चुका है। ये 2 kg 2-tier स्ट्रॉबेरी केक मैंने ₹3000 में सेल किया था। आप आपके यहाँ मिलने वाले मटेरियल के प्राइस के हिसाब से केक की प्राइस रख सकते हो। ये है वो क्यूट ओवी जिसके बर्थडे के लिए एक केक बना था। आसमान का चांद तेरी बाहों में हो, तू जो चाहे वो तेरी राहों में हो, हर वो सपना हो पूरा जो तेरी आँखों में हो, खुशकिस्मती की हर लकीर तेरी हाथों में हो। हैप्पी बर्थडे ओवी, मे गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के केक की डिज़ाइन? अगर आपको केक की डिज़ाइन पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।